एस्ट्राजेनेका जिन्होंने कोविशील्ड का टीका बनाया था एक जबरदस्त नई दवा लेके आए हैं। अमेरिका ने उसे कल परसों अप्रूवल दे दिया। जब मैंने यह समाचार पढ़ा मैंने सोचा अब रात भर इंडियन मीडिया के फ़ोन आएंगे कि ये इंटरव्यू दे दो, टीवी पे बाइट दे दो। मैं तो सोच रहा था ये शेयर कहूँगा, ये शर्ट पहन के जाऊँगा, शर्ट को आयन भी करके रखा था, अलार्म लगा के सो गया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग ओमिक्रॉन के केसेस गिन रहे हैं, दुनिया से वफा करके सिला ढूंढ रहे हैं, हम लोग भी नादा है ये क्या ढूंढ रहे हैं। अगर ओमिक्रॉन सचमुच इतना संसर्गजन्य है और कल उसके 8 केसेस थे और आज 9 हो गए, ये क्या घंटा न्यूज़ है? क्या न्यूज़ में सिर्फ कोविड खतरनाक हो सकता है? क्या हम लोग ऐसी खतरनाक दवा नहीं बना सकते जो कोविड को जड़ से उखाड़ लेगा? एस्ट्राजेनेका की दवा ऐसी है, वो क्या है जल्दी देख लेते हैं। वो इंजेक्शन है, एक सिंपल सा इंजेक्शन है, एक बार लगता है, वो लगने के बाद वो 6 या 12 महीने आपके शरीर में रहता है, एकदम स्लो एक्टिंग मोनोक्लोनल है। वो आपको गंभीर डिसीज से मतलब कोविड से आपको 80% से भी ज़्यादा बचाता है। और जिस तरीके से वो काम करता है अभी ऐसा लग रहा है कि वो डेल्टा और ओमिक्रॉन के खिलाफ भी चलेगा। तो ऐसी दवा बनाई क्यों एस्ट्राजेनेका ने? देखो दुनिया में ज़्यादातर लेकिन काफ़ी लोग हैं कि जो टीका लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते, और अगर टीका ले लिया तो टीका उन पर असर नहीं करता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। ये इम्यूनिटी कमज़ोरी की वजह कैंसर हो सकती है, कैंसर ट्रीटमेंट, ल्यूकेमिया, कुछ भी हो सकता है, या कुछ इम्यून बीमारी हो, तो वो इम्यूनिटी बना ही नहीं पाते उनको टीका देने के बावजूद। तो वो लोग हमेशा डरे हुए होते हैं कि हमको कोविड हो गया तो क्या करेंगे। हम कह रहे थे डरिए नहीं, अगर आपको कोविड हो गया तो अभी मर्क की दवा आ रही है, फाइजर का पैक्सलोविड आ रहा है, मोनोक्लोनल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन वो मोनोक्लोनल मिलना अभी कभी कहीं जगह पे मुश्किल हो रहा है, उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो उसको क्राउड भी होता है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आना, तो डरे हुए होते हैं ना, तो उनको ये खौफ में रहे क्यों? तो ये दवा ऐसी है कि ये कोविड होने के पहले लगेगी। जो लोग हाई रिस्क है, पूरी दुनिया में कोविड फैल चुका है ना, तो जो लोग हाई रिस्क है उनको पहले ही ये दवा लगेगी और वो उनको 6 या 12 महीने महफूज रखेगी। तो आप पूछोगे कि 6 महीने या 12 महीने, या पहले 12 महीने बोल के एस्ट्राजेनेका 6 महीने बाद और एक उसका इंजेक्शन बेचेगी? नहीं नहीं बेचेगी नहीं भाई साहब, वो आपको मुफ्त में देगी और आपने वो लिया इसलिए आपको थोड़ा इनाम भी, पैसे भी दे देगी। ये क्या अकल के दुश्मन पूछते रहते हैं कुछ भी। देखो ये कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां मुनाफेखोर है, वो फार्मा लॉबी है, वो सब ठीक है, लेकिन ये दवा बनाई है वो अच्छी बनाई है। और ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग ये दवा सिर्फ इम्यूनोसप्रेस लोगों में इस्तेमाल करें। अभी भारत में कई बड़ा हादसा हुआ था, मैंने सुना वो एक्सीडेंट में, तो अगर अपना कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स है, अपना आर्मी के चीफ्स है, अगर आपने पुलिस अधिकारी है, पुलिस से बेचारे ने हमें कितना काम करवाया पैंडेमिक में, ढंग का पैसा भी नहीं देते उनको, तो अगर इतना उनसे काम करवा दिया तो ऐसे जो कोई लोग हैं उनको ये दवा पहले ही चढ़ सकती है, कोई भी ले सकता है ये, और हमें मालूम है कि ये सब अच्छे लोग महफूज रहेंगे 6 या 12 महीने। तो अभी विवादास्पद बात क्या है? विवादास्पद बात ये है कि अमरीका ने अप्रूव किया इसे सिर्फ इम्यूनोसप्रेस लोगों को लिए, सिर्फ उन लोगों में ले सकता है। मैं कह रहा हूँ हम लोग उनको दे रहे हैं क्योंकि वो लोग टीका लेना चाहते हैं लेकिन टीका उनमें नहीं चलता। मेरा सुझाव ये है भारत को कि ये दवा वो अप्रूव कर दे और ऐसे लोगों को भी अप्रूव कर दे कि जो लोग टीका लेना नहीं चाहते, टीका लेना नहीं चाहते। देखो आपको पैसे उधार देने हैं और आपको 2 चॉइस है, गब्बर को उधार दे दो या अहमद मियाँ को दे दो। मैं गब्बर को दूंगा क्योंकि गब्बर पैसा देगा नहीं लेकिन वो दे सकता है। अहमद मियाँ के पास पैसा है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से? क्यों, ये जो लोग अपने अहमद मियाँ है वो टीका नहीं लेने वाले, वो नहीं लेने वाले। हम लोग बहुत पूरी कोशिश की, अमेरिका में भी काफ़ी है, जर्मनी ऑस्ट्रिया में, वो नहीं ले रहे लोग।
अगर वो नहीं ले रहे तो उनको भी कोविड हो सकता है, वो भी फैला सकते हैं, वो भी अस्पताल जा सकते हैं। तो उनको अगर ये शॉट लगाया तो वो 6 महीने से 12 महीने तक महफूज रहेंगे और ये पैंडेमिक जल्दी ख़त्म होगा, ऐसे ही ख़त्म हो रहा है। तो लोग कहोगे कि क्या ये सही है, मतलब जो लोगों ने टीका लिया है और वो थोड़े से इम्यूनोसप्रेस्ड है और उनको दुर्भाग्यता से कोविड हो गया, उनको मिलना चाहिए ना ये दवा, उनको छोड़कर हम लोग जो लोग टीका नहीं ले रहे उनका जो गलत बिहेवियर है, मैं गलत ही कहूँगा उसे, जो गलत वर्तमान उनका जो वर्तन है उसको हम लोग नवाज रहे, हम उनको इनाम दे रहे उसके उनको बचाए, लेकिन देखो जैसे भी है वो अपने ही लोग हैं, उनको हर हालत में बचाना है। तो ये दवा क्या है, देखो पहले प्लाज्मा होता था, याद है आपको कि प्लाज्मा होता था कि किसी कोविड पेशेंट को हो गया तो उसमें से एंटीबॉडीज निकाल के वो दूसरे पेशेंट को देते थे। वो दिसंबर जनवरी 2021 से हमको पता है वो नहीं चलता, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स है तो उसको छोड़ दिया। लेकिन वो जो प्लाज्मा है उसमें से एक एंटीबॉडी जो चलती है अच्छी तरह से चलती है, उसे निकाल के उसे क्लीन करके उसको रिप्रोड्यूस करके उसको इंजेक्शन जैसा चढ़ाया, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जैसा वैक्सीन विल बी एक्टिव इम्यूनिटी, ये पैसिव इम्यूनिटी जैसा माँ के दूध से बच्चे को मिलती है, तो ऐसा एंटीबॉडी चढ़ा देंगे मोनोक्लोनल। प्रेसिडेंट ट्रंप को जब हुआ था अक्टूबर 2020 में, तब वो एंटीबॉडी दी थी, बड़ी सक्सेसफुली दी थी, और हम लोग तब से कह रहे थे कि इंडिया में एंटीबॉडी का स्टॉक लेके आओ, सेकंड दूसरी लहर के दौरान अगर 1 लाख भी ऐसा स्टॉक इस्तेमाल किया होता तो ये लहर इतने स्वरूप में आती ही नहीं थी। तो वो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो अभी थोड़े कम चलते हैं डेल्टा और ओमिक्रॉन के खिलाफ, क्योंकि डेल्टा ओमिक्रॉन थोड़े बदल चुके हैं। तो ऐसा ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपके शरीर में 6 हफ्ते से 3 महीना तक रह सकती है, लेकिन उसके 4 टीके लगते हैं, नहीं तो उसको IV लेना पड़ता है। इसलिए एस्ट्राजेनेका ये दवा ले, इसे स्लो एक्टिंग मोनोक्लोनल, कि एक इंजेक्शन दे गया तो 6 से 12 महीने तक आप ठीक हो। तो इसके वजह से ये दवा आया है। अभी भारत ने इसे अप्रूव करके जो लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं उनको बचाने के लिए उन्हें भी ये टीका ऑफर किया है। अमेरिका में हमने देखा है लोगों को, कुछ लोगों को टीके से शिकायत है लेकिन ऐसी दवाई वो लेंगे, मोनोक्लोनल के लिए सब लोग भीड़ कर रहे हैं लेकिन टीका नहीं लेंगे, लेकिन उनको लग रहा है कि ये होता है कि वो सब गलत है। टीका लेना चाहिए, टीका एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमें बचा देगा। हर घड़ी खुजी से उलझना है मुकद्दर मेरा, मैं हूँ खुद मेरी कश्ती, मुझी में है समंदर मेरा, एक से हो गए मौसमों के चेहरे सारे, मेरे आँखों से खो जा रहा है मंजर मेरा, ख्वाब सुहाना देखे बरसों बीत गए, जागता रहता है हर नींद में बिस्तर मेरा, आईना देखकर निकला था मैं घर से बाहर, आज तक हाथ में महफूज है पत्थर मेरा। हम लोग ने भी शायद कुछ गलतियां की है, जो हमारे भाई लोग भाई बहने हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते उनको ये टीका से शायद, ये टीका नहीं ये इंजेक्शन से शायद बचा लेंगे। हम कितना कितना पूछ रहे गवर्नमेंट से कि आप बच्चों का टीका चालू करो, आप बूस्टर को एट रिस्क अप्रूवल दे दो, ये मेडिकेशन ला दो, कोई उन्हें ये इल्ज़ाम नहीं दे सकता कि हमारी सुन रहे, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद शायद सुन रहे। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी बेचारे नॉवेल पैंडेमिक है, सर्वत्र सर्वे भवंतु सुखिना, सब लोग सुखी रहे, अच्छे रहे, चैन से रहे, कुछ ये पैंडेमिक का तीसरा लहर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है।